स्कूली छात्रा के साथ हुई घटना आहत करने वाली है। रतलाम शहर भी घिनौने अपराध की श्रेणी में आने लगा है। रतलाम में भी बलात्कार दुष्कर्म जैसे मामले होने लगे हैं, जिससे स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं भी अछूती नहीं रही है। मामला रतलाम के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल का है। इसी स्कूल में पढ़ने वाली 14 वर्षीय बालिका के साथ उसी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र आरिफ खान और उसके एक अन्य साथी दोनों ने मिलकर उस बालिका को ब्लैकमेल कर उसके साथ घिनौना तथ्य बलात्कार किया। आरोपी आरिफ खान ने छात्रा को अपने मोबाइल में उसके कुछ फोटोज दिखाकर वायरल करने की धमकी दी। आरोपी आरिफ खान व दूसरा आरोपी जेफे खान दोनों साथियों ने मिलकर बलात्कार किया और छात्रा से रुपए की मांग कर रुपए भी लिए। छात्रा फोटो वायरल होने के डर से उसका कहा मानती रही। 9 सितंबर को दोपहर में आरोपी ने छात्रा को फोन लगाकर कहा कि वो उसके घर उससे मिलने आ रहा है अपने साथी को लेकर, और आरोपी छात्रा के घर पहुंच गया। उस समय बालिका अपने घर में अकेली थी। दोनों आरोपियों ने मौका पाकर बालिका के साथ बलात्कार किया। छोटी उम्र में बलात्कार होने से बालिका को ब्लीडिंग चालू हो गया। इस घटना के करीब 10 से 12 दिन बाद फिर दूसरे आरोपी जेफ खान ने बालिका को फोन कर आशीर्वाद होटल में बुलवाया। होटल में बालिका के साथ फिर बलात्कार किया। बार बलात्कार किए जाने से बालिका की तबीयत बिगड़ गई। तब बालिका ने पूरी घटना की जानकारी अपने माता पिता को बताई। बालिका के साथ हुए गैंग रेप की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और पास्को एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों अपराधियों की तलाश कर रही है। आरोपियों के खिलाफ ये धाराएं लगाई गई है 456, 5-6, 376, 2 & 376 भादवे और 5/6/600 जिला रतलाम से संवाददाता देवेंद्र सिंह शेखावत के साथ देवेंद्र कैतवास विशाल सिंह की रिपोर्ट। बच्चे कहीं नहीं बच सकते, कैसे बचाएं इनके?